हाय फ्रेंड्स, मैं आरम सूर्या है और आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्रेजी। सबसे पहले सभी को हैप्पी संडे। और आज मैं बात करने वाला हूँ रेस 3 के बारे में। जी हाँ, और रेस 3 के बारे में इसलिए बात करने वाला हूँ, जी हाँ, ध्यान दीजिए तारीख आज कौन सी है। आज है 15 अप्रैल और आज से ठीक 2 महीने बाद होगा रेस 3 का धमाका। जी हाँ, धमाका इसलिए मैं इसे कह रहा हूँ क्योंकि ऑफ कोर्स जब ये फिल्म रिलीज होगी तो एक के बाद एक रिकॉर्ड ब्रेक करने वाली है, इसमें कोई शक नहीं है। कोई शक वो कहते हैं ना मिथुन, और कोई शक वैसा कुछ तो ये चीज है। और एक्सपेक्टेशंस तो भैया फिल्म से बहुत ज्यादा है, और जो पॉसिबिलिटीज है ये फिल्म कहाँ तक जाएगी वो भी सभी को पता है। कल ही मेरे एक भाई साहब दोस्त कह रहे थे कि भाई ये 350 से 360 करोड़ जाएगी, यानी कि जो एक्सपेक्टेशंस है सबकी वो एक लेवल ऊपर ही है। और मैं भी अपनी बारे में सोच, मतलब अपनी राय देना चाहता हूँ इस फिल्म के कलेक्शंस को लेकर, खास करके लाइफ टाइम, लेकिन मैं वेट कर रहा हूँ कि एटलीस्ट ट्रेलर आ जाए तो मैं कुछ उस पर कहूँ। मैं इसलिए एक्साइटेड हूँ। अब ये तो सही है, अब इसका काउंटडाउन चालू, इसे काउंटडाउन में कहूँगा क्योंकि इसी महीने, मतलब 2 महीने ही बाकी है, राइट। और इसी महीने में, आई मीन ये जो 15 अप्रैल से 15 मई के बीच में ट्रेलर आ जाएगा, तो यार ये तो साफ हो जाएगा कि फिल्म में क्या क्या धमाका देखने को मिलेगा। एक्शन सीन्स होंगे कुछ, और उसके बाद तो भैया फिल्म आ जाएगी। तो ये 2 महीने बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। अब ये भी कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि यार तू रेस 3 पे बार बार वीडियोस क्यों बना रहे, रेस 3 पे बार बार वीडियोस क्यों बना रहा है। तो मैं उनको यही बताऊंगा कि यार न्यूज़ ही इसके बारे में ज़्यादा आ रही है। मैं चाहता हूँ ठग्स ऑफ हिंदुस्तान के बारे में न्यूज़ बताओ बहुत ज़्यादा, मैं चाहता हूँ कि जीरो के बारे में बहुत ज़्यादा न्यूज़ बताओ, पर यार न्यूज़ बहुत ज़्यादा पता नहीं चल पा रही। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं मेरी भी कभी कभी गलती हो जाती है कि न्यूज़ मुझे बहुत लेट पता चलती है, या फिर पता ही नहीं चलती 2.0 के बारे में, या सॉरी जीरो के बारे में, या फिर ठग्स ऑफ हिंदुस्तान के बारे में, या कोई भी और फिल्म के बारे में। लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कोई अच्छी न्यूज़ पता चली तो मैं उसे ज़रूर बताऊँगा। और जैसे कल केसी की न्यूज़ पता चली फर्स्ट लुक आया, तो ऐसी न्यूज़ मज़ा आता है बताने में। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मार्क वाली मैं न्यूज़ बताता नहीं हूँ, हालांकि कल मैंने काफ़ी न्यूज़ बताई वैसे, तो मैं कोशिश करूँगा कि ज़्यादा बेहतर से बेहतर जो कन्फर्म हो सके वैसी न्यूज़ बताओ जो आपसे मुझसे सरोकार रखती हो। और आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, और कितने एक्साइटेड कि 2 महीने ही अब सिर्फ बाकी इस फिल्म के लिए। और जरूर बताइएगा वीडियो अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और फिर से हैप्पी संडे आप सभी को।